जब 5x2 फुट का दो टुकड़ों में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसे हरि विष्णु शिलालेख कहा जाता है। ये 12वीं शताब्दी ईस्वी में देवनागरी लिपि में लिखा गया था जो 1192 में मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण से पहले के कालखंड को वर्णित करता है। इस शिलालेख की एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय मित्र शास्त्री ने जांच की। उन्होंने शिलालेख का सारांश भी जारी किया। इस शिलालेख को कोर्ट में पढ़ा गया था जिसे आपको भी जानना चाहिए। इसमें लिखा था, इस शिलालेख के छोटे से हिस्से को गद्य और बड़े हिस्से को उच्च प्रवाह वाले संस्कृत पद्य में रचा गया है और 11वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी की पवित्र और शास्त्रीय देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। यह स्पष्ट रूप से मंदिरों की दीवार पर लगाया गया था जिसका निर्माण उस पर अंकित पाठ में दर्ज है। उदाहरण के लिए इस शिलालेख की पंक्ति 15 हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि विष्णु हरि का एक सुंदर मंदिर पत्थरों के ढेर से बनाया गया है जिसमें सुनहरे रंग से सुशोभित शिखर हैं। पहले के राजाओं द्वारा निर्मित किसी भी अन्य मंदिर से अद्वितीय अद्भुत मंदिर अयोध्या में बनवाया गया था। पंक्ति 19 में भगवान विष्णु को राजा बलि और 10 सिर वाले व्यक्ति यानी रावण का वध करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। Moreover, there was an inscription also, वो विष्णु हरि शिलाफलक करके वो 20 verses का एक inscription, 20 line का एक inscription है, उसमें बहुत साफ ये कह रहे हैं, This temple is dedicated to that Vishnu who had killed Bali. तो who is Bali that? को किसने? Bali का. And 10-headed person again it says. So who is that? That is Ravan. And who is the person? Ram. अब स्टोरी का तीसरा भाग यानी श्री राम के देश में राम मंदिर का विरोध।